फेस करता है इस चीज़ को। डाउन सिंड्रोम काफ़ी हद तक विजिबल है, उसमें एक क्रोमोसोम का इशू होता है जिसकी वजह से आपको विजिबल ही पता चल जाता है कि उनकी कंपैरेटिव हाइट कम होती है डाउन सिंड्रोम वालों की, या हाथ छोटे होते हैं, उनकी टंग थोड़ी टाइट और थिक होती है। जैसे ऑटिज्म वाले जो है बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं, दे आर एज नॉर्मल इन यू नो अपीयरेंस लाइक अस ओनली। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द चाइल्ड द वे दे आर, बिकॉज बिफोर लेबलिंग द चाइल्ड जस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर अ चाइल्ड फर्स्ट, सो देयर नीड्स मे बी इट इज़ अ नॉर्मल चाइल्ड और अ स्पेशल चाइल्ड, दोनों की नीड्स और रिक्वायरमेंट एक ही होती है, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड दैम। सो दैट इज़ माई बिग एंड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नॉर्मल किड्स, आई थिंक दे शुड ऑल्सो टीच दैर चिल्ड्रन के भाई वो बच्चे इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, दे आर जस्ट लाइक दैम, एक्सेप्ट दैम और प्लीज़ उनको इंटीग्रेट करें, इंक्लूड करें अपनी लाइफ में, दे विल डू नो हार्म टू योर चिल्ड्रन, वो लोग वैसे ही हैं जैसे हम और आप हैं। आई एम शशिपुरी, वर्किंग एज ए एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इन दिशा स्कूल। मैं लास्ट 18 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ, और हम बच्चों को यहाँ पे जैसे डॉक्टर के पास से रिफ़र होते हैं या हम पब्लिक हेल्थ सेंटर से अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ से बच्चे हमें मिलते हैं, वो लोग हमें हमारे पास बच्चे भेजते हैं और फिर हम उनका असेसमेंट करते हैं। एक्चुअली इंडिया में देखा जाए तो गुजरात में तो हमें काफ़ी अवेयरनेस दिखता है, पर दूसरे स्टेट्स में थोड़ा पीछे हैं हम लोग, फिर भी दिल्ली बॉम्बे वगैरह में बेंगलोर इन सब जगह पे काफ़ी अवेयरनेस है, फिर भी जितना बाहर के कंट्रीज़ में है उतना अवेयरनेस यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए सोशल गैदरिंग होना चाहिए, जैसे स्कूल में बच्चों को इनवाइट करना चाहिए, स्पेशल बच्चों को या स्पेशल स्कूल में मेन स्ट्रीम के बच्चों को आके उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कभी स्टार्ट होता है पर वो बीच में ही रुक जाता है। बीच में एक बड़ी प्रोग्राम चला था कि मेन स्ट्रीम से बच्चे आके हमारे बच्चों के साथ बड़ी वन डे गुजारेंगे और उनके साथ काम करेंगे, लेकिन वो थोड़ा टाइम चला फिर बंद हो गया। तो ये कंटिन्यूस मूवीज़ बनने चाहिए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि ये डिसेबिलिटी क्या है और उसके साथ कैसे हमें आगे बढ़ना है। हम हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर पे काम करना बहुत पसंद आता है, वो अभी तक थोड़े तो पीपीटी वगैरह भी बनाने लग गए हैं। तो हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं हम सबको एक्सपोजर तो देते ही हैं कि वो कंप्यूटर पे काम करें, और जो जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको श्योरली हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और हर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं।